हेलो फ्रेंड्स, खाओ पियो मित्रों चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं उस रेसिपी की खासियत पता है क्या है? ये बिना किसी प्याज के है, बिना किसी लहसुन के है और ना ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सी सब्जी को हम सिंपल से मसालों के साथ में कैसे दी बेस्ट टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चने की रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ इसकी विधि मैं आज आपसे साझा करूँगी। इसके लिए मैंने चनों को रात भर भिगो करके रख दिया है। यहाँ पे मैंने 125 ग्राम चने लिए हैं। इसके अंदर फिर मैंने डाला है थोड़ा सा तेज़पत्ता और एक बड़ी इलायची और 3 से 4 काली मिर्चें, थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा और आधा चम्मच सेंधा नमक। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल और इसी के साथ फिर डलेगा इसके अंदर 2.5 से 3 गिलास पानी, क्योंकि इसे उबलने में समय लगता है और पानी भी काफ़ी लगता है और इसे जो है हम सूखे नहीं बना रहे। तो इसे अब हम उबलने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारे चने उबलते हैं तब तक हम एक मिश्रण तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बड़े टमाटर लिए हैं और इसी को मैंने थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसी के साथ मैंने डाल दी है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भर के, और एक अलग कटोरी में मैंने 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर। अब इसके अंदर मुश्किल से 1/2 कप पानी डालें और इसे अच्छे से मिला करके भिगो करके रख दें। भिगोने से मसालों में काफ़ी अच्छा स्वाद निकल करके आता है। ये देखिए, अब हमारे चने भी उबल करके तैयार हैं। क्योंकि इनके अंदर हमने थोड़ा सा मीठा सोडा डाला था तो ये बहुत ही अच्छे से उबल गए हैं। ये देखिए, तो चलिए चने हमारे उबल गए हैं। अब इसके अंदर लगा देते हैं हम एक तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे सरसों का तेल, और जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे को हल्का सा गर्म होने दें, उसके बाद में फिर जो टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च का हमने मिश्रण बनाया था वो इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको अच्छे से भुनेंगे। टमाटर जब अच्छे से भुन जाता है तो उसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, अब इसके अंदर से हल्का हल्का तेल जो है ऊपर आने लगा है, इसका मतलब ये मिश्रण पक करके तैयार है। जब ये मिश्रण पक जाए, तेल ऊपर तक आ जाए, तब हम यहाँ पे डालेंगे ये मसाला जो हमने बना करके रखा था भिगो के। अब इसको हमें जो है अच्छे से पकाना है, क्योंकि टमाटर तो हमारे पक चुके हैं, अब इस जो मसाले थे इनको हमें पकाना है। थोड़ी देर आप इसको ढक दें। जब देखें कि ये मसाला जो है बहुत अच्छे से पक गया है, तब हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमेशा ही जब मसाला भुन जाए और ऑयल या घी ऊपर आने लगे तब हमें डालना चाहिए। इससे इसका जो स्वाद है बहुत ही ज़्यादा उभर करके आता है। अब उबले हुए चने इसके अंदर हम डालेंगे। उबालते समय मैंने इसके अंदर एक आलू डाला था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो प्रोटीन है ना चने के अंदर, और चने को पचाने के लिए हमें वसा और कार्बोज की आवश्यकता रहती ही है, इससे इसका पाचन अच्छे से हो जाता है। अब सब्जी को अच्छे से मिलाएं और इसको थोड़ी देर के लिए ढक करके पकाएं। ये देखिए, यहाँ पे ना तो आपको चनों को मैश करने की आवश्यकता है, यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसे थोड़ी सी देर हम ढक करके पकाएंगे। ये देखिए, हमारी सब्जी चने की पक करके तैयार है। इसकी पहचान ये है क्योंकि इसमें जो वसा है यानी तेल है वो ऊपर तक आ गया है, इसका मतलब हमारी सब्जी पक गई है। ये देखिए, है ना कितनी शानदार, और टेस्ट में ये एकदम से बेस्ट है। अब आप इसे रोटी, चावल या पूड़ी के साथ में जो आपको पसंद हो वैसे ही खाएं। बस रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।